हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं एग्रीकल्चर से बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा लेकर आया हूं, कह सकते हैं आप संग्रह लेकर आया हूं। इसमें मैंने टॉप 30 प्रश्न सम्मिलित किया है। ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं अपलोड दूं वह आप लोगों को मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो हरित क्रांति के श्रेय अमेरिका के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। ये हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है और भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो उसका नाम है मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की जड़ों से बैक्टीरिया के सड़ने से जिन गैसों का वायुमंडल में विसर्जन होता है वह कौन सा है, तो वो है मीथेन। कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइजोबियम जैपोनिकम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलहनी फसलों में मटर, चना, अरहर आदि राइजोबियम लेगुमिनोसेरम तथा सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम जैपोनिकस पाए जाते हैं, तो इस सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ अलग अलग दिया है, मटर, चना, अरहर में जो पाए जाते हैं वो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम होते हैं और सोयाबीन की जड़ों में जो पाए जाते हैं वो राइजोबियम जैपोनिकस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी है। क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं मित्रों, वह अवस्था जिसमें सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उस टाइम सिंचाई नहीं करेंगे तो पैदावार घट जाएगा। तो यह है ताजमूल अवस्था। ताजमूल कब अवस्था होता है, जब उसमें जो है कल्ले फूटने लगें, दाने बनने लगें, जड़ें फूटने लगें। एक जो है गेहूं के 21 दिन बाद भी सिंचाई करनी चाहिए, तो ये गेहूं में 3-4 जो है क्रांतिक अवस्था होता है। नेक्स्ट है, गेहूं मुख्यतः है, तो गेहूं क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं के लिए सामान्यतः वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। अगर धान का पूछा जाता तो धान का 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होना चाहिए प्रति वर्ष। इसके बाद है आपका कि गेहूं बोने के बाद सिंचाई आवश्यक है, अभी मैं ऊपर बता रहा था, तो इसमें लिखा भी है 21 से 25 दिन के अंदर। पहले आप जब भी गेहूं बुआई करेंगे तो पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के अंदर कर देंगे। नेक्स्ट है, सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित करता है बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को। नेक्स्ट है आपका कि गोल्डन राइस जैविक प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। नेक्स्ट है, मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, तो 70 से 80% होता है, 20% आपका छिलका निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है अपनाकर, तो विविधीकृत खेती को अपनाकर कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विविधीकृत खेती से तात्पर्य क्या है, तो कृषि और पशुपालन जैसे, मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, खाद्यान्न फसलें, तिलहन, बागवानी, कृषि के साथ दुग्ध कृषि, कुक्कुट पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन आदि जो है करके आप विधिकृत खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, तो अमरूद की किस्म है ललित। नेक्स्ट है, अमरूद की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी है, तो इलाहाबादी, सफ़ेदा, चित्तीदार,
इलाहाबादी सुरखा आदि जो है अमरूद की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है महाधान सुपर राइस विकसित किया किसने किया, तो जीएस खुश ने विकसित किया। नेक्स्ट है आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो सिंधु प्रजाति है। नेक्स्ट है पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से, तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। इसके बाद है आपका सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन उद्यान कृषि से है। नेक्स्ट है गोल क्रांति, तो जैसा कि गोल है तो गोल होता है आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है आपका मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है, तो जैसा भूरी है तो उर्वरक तथा गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति से संबंधित है। इसके बाद है आपका फसल लोविंग विधि, तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण ही जो है लोविंग विधि कहलाता है। नेक्स्ट है इथिलीन का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में तथा कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है, जो हमारी शरीर में पहुंचकर बनाता है विटामिन ए बनाता है। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।